ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। जब आप टिकटे में नहीं कटाइएगा और ट्रेन के पास सही भी ना करे तब हर एक ट्रेन थोड़ी आ जाएगा। आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये जिनका लोगों को कहना है टैटू बनवा लेने से सारी काम होता है, नहीं, आपकी की हुई चीज मेरे पास पहुंचनी तो चाहिए ना। अब आपका काम है आप किस माध्यम से आप टैटू बना के पहुंचाइए या सर फोड़ के पहुंचाइए या दिल चीर के पहुंचाइए। मेरे पास आप कलाकार हो, आपका वीडियो, आपका डांस, आपकी एक्टिंग मेरे पास जाएगी तभी ना, नहीं तो मैं सपने तो आते नहीं आपके नाम से। वही अगर किसी को शिकायत है कि खेसारी लाल यादव टैटू बनवाने से काम लेता है, भाई नहीं, उस बच्ची का वीडियो पहुंचा, उसका काम मैंने देखा, तब मुझे लगा कि इसके साथ काम मुझे करना चाहिए और मैंने किया। तो किसी भी जितने भी लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, अगर उनको लगता है कि बेहतर काम करते हैं, अगर उनका वीडियो या उनका किया हुआ चीज़ मेरे पास आएगा तो मैं जरूर उनके हेल्प करूँगा। और किसी को कोई सवाल? सर, सर मेरा नाम गुड्डू है और भोजपुरी फैंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, भोजपुरी फैन क्लब के गुड्डू जी, आपको दिल से थैंक यू, आप इतना टाइम देकर इतना प्यारा प्यारा सवाल करेंगे। सर, ये गाना रिलीज होते ही मार्केट में एकदम बवाल मचा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम काम तो उसी के लिए किए थे कि बवाल मचाए, बवाल मचाने के लिए किए थे ताकि यूट्यूब हैंग हो जाए। हैंग हो भी गया होगा मुझे लगता है, 5 लाख पार हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं। जो भी लोग हैं टाइटू बनवाने से काम नहीं मिलता है, नहीं तो हजारों टाइटू लोग बनवा के घूमते रहेंगे। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप एक बार देखिए इस गाने को, आपको समझ में आएगा कि सोनमिया के अंदर वो बातें भी है, जिस बातों के वजह से मैं आज सोनमिया के साथ काम भी किया और आगे भी करूँगा। और नेपाल के आर्टिस्ट अगर ऐसे ही काम करेंगे तो मेरे लिए उनके लिए दरवाजा मेरा हमेशा खुला हो, उनके लिए नहीं, दुनिया के किसी भी कोने की लड़की हो, लड़का हो या कोई आर्टिस्ट हो, जिनको काम करने का इच्छा है, अगर वो बेहतर काम करते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा काम करता हूँ। कि मेरे पास उनका किया हुआ चीज आना चाहिए। अगर ये बताइए घर में बैठ के टैलेंट तो आप दिखा दीजिए, तो आपका टैलेंट मेरे पास आएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हो और आपके साथ में काम करता हूँ। इसके लिए किए थे ताकि यूट्यूब हैंग हो जाए, हैंग हो भी गया होगा मुझे लगता है, 5 लाख पार हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं। चलिए ताली बजा दीजिए, 40 मिनट में 5 लाख पार हो गया, रियल टाइम। सर, मैं रोशन कुमार यादव भोजपुरी एंटरटेनमेंट से, हर एक छोटे मोटे विवाद पे सर आपको टारगेट किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, महेश बाबा का चैनल है। चलिए भाई, आप नहीं आए, महेश बाबा आपको बैठ चुके प्रणाम। आप ब्राह्मणपुर के आदमी है और सारे ब्राह्मणपुर के लोग मेरे लिए देवता होते हैं। तो विवाद होता है तो देखिए विवाद किसके साथ होता है, मैं क्या बोला पहले ही बोला, जो गाड़ियाँ चलती है ना उसी में इधर उधर होता है। जब रोड पे आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होता है, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी छोटा छोटा लड़ लड़ के निकल जाता है। तो ये होगा और ये रुकने वाला नहीं है, ऐसे ही समझदारी आ जाएगी तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है सर कि जितने भी सैड सॉन्ग अभी तक रिलीज हुए हैं सबका रिकॉर्ड नेपाल का कम्बिनेशन है, तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि नेपाल के लोग अपने सोमिया को कितना प्यार करते हैं और मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के लोग खेसारी को कितना प्यार करते हैं। तो आप दोनों मिल के सर्च करें, देखते हैं कि नेपाल की सर्चिंग ज्यादा होती है कि खेसारी लाल की इंडिया की सर्चिंग ज्यादा होती है। सर, देशवा न्यूज से पटना से, चलिए क्या कहना चाहेंगे, बिहार और नेपाल की जो सामंजस्यता दूर हो गई थी उसी इस एल्बम के माध्यम से आप नजदीक लाना चाहते हैं? देशवा म्यूजिक के जितने भी श्रोता है, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग प्यार आशीर्वाद मुझे भी दीजिए और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि देशवा न्यूज को भी आप लोग अपना प्यार दें। देखिए हमारे हम इंसान हैं, हमारे लिए कोई देश मायने नहीं रखता, हम कहीं भी जाए अपने इंसानियत के साथ तो मुझे लगता है हर देश हमें प्यार करेगा। और सोमिया को नेपाल से हम लाए नहीं है, उनका प्रतिभा उनका वर्क इंडिया के लोगों से प्यार करने पे मजबूर कर दिया और सोमिया आज हमारे साथ काम, यानी दो देशों के आपस में प्रेम जोड़ने के लिए हर दिन आगे। शुरुआत तो संगीत ही होती है, आप देखिएगा पाकिस्तान के भी लोग आकर और अपने इंडिया में जब खूबसूरत गाने और नगमे गाते हैं तो हम उनको इंजॉय करते हैं। तो संगीत ऐसा चीज है कि ये प्यार का परिकाष्ठा है, संगीत से बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। एक सवाल मेरा था सर, मेरा सवाल है रिपब्लिकन न्यूज बोल रहे हैं कि जो फिल्म सिटी जो बना है राजगीर में उसको कब तक उद्घाटन होगा, वहाँ पे पहला शो आपका ही रहेगा क्या? देखिए रिपब्लिक न्यूज के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, आप लोग रिपब्लिक को प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब फिल्म सिटी बना है, मैं देखा तो नहीं हूँ भाई जी,
अभी कब उद्घाटन होगा वो तो नीतीश जी बताएंगे, क्योंकि ईंट उन्हीं का लगा है, सीमेंट उन्हीं के लगा है, रोजगार जो है उन्हीं के दिया हुआ है। अब देखिए, अब अगर